पोको F3 GT मोबाइल का हम इस वाले वीडियो में गेमिंग बेंचमार्क टेस्ट करने वाले हैं एंड कोशिश करेंगे हम लोग सारे हाई एंड एम्युलेटर के सारे हाई एंड गेम्स खेलें। अगर हम लोग को पता नहीं कि एम्युलेटर क्या होता है तो ये कुछ हाई एंड PC कंप्यूटर कंसोल्स के गेम हमारे एंड्रॉयड में हम लोग खेल सकते हैं वाया एम्युलेटर्स। तो वही बेंचमार्क स्कोर मैं तुम लोग को करके दिखाऊंगा जितना कि इस मोबाइल में लास्ट तक अवेलेबल है। लास्ट अप स्केल हम ट्राई करेंगे ऑल एम्युलेटर में कितने अप स्केल में तुम लोग खेल सकते हो हाई ग्राफिक्स करके। वही गाइस, तो यहाँ पे ये मोबाइल है पोको F3 GT डायमेंसिटी 1200 के साथ हम लोग को मिलता है 8GB रैम वेरियंट है यहाँ पे, जिसका कि बेंचमार्क स्कोर तुम लोग को मिलेगा लगभग 7 लाख के करीब। और यहाँ पे हमने प्ले स्टेशन 2 का एम्युलेटर सबसे पहले टेस्ट किया और ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ओके गाइस, ऑन इंटरनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इस वाले में मैं एलगाटो यूज़ नहीं कर रहा, तो ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग इंटरनल यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 60 FPS 2x के सेटिंग में। लेकिन अगर हम लोग ये जो सेटिंग्स है वो अप्लाई करते हैं इस डिवाइस में तो ही हम लोग 2x के अपस्केल में प्ले स्टेशन 2 के गेम्स खेल पाएंगे। और अगर तुम लोग को चाहिए कि 60 out of 60 FPS विदाउट फ्रेम स्किपिंग विदाउट यूज़ किए ये वाले सेटिंग्स चाहिए तो 1x के अपस्केल में तुम लोग खेल सकते हो, तो लेकिन उसमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगा। तो और यही टिप्स दूंगा कि प्रोग्रेसिव मोड हर गेम में आता है प्ले स्टेशन 2 के एम्युलेटर से, ऑन कर लेना प्रोग्रेसिव गेम मोड ऑन कर लेना, और गॉड ऑफ वॉर 1 2 सब में तुम लोग को प्रोग्रेसिव गेम मोड मिल जाएगा, जिससे कि जो गेम है वो मोर शार्पन हो जाता है और वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो तुम लोग को और बढ़िया मिलेगा। और हाँ गाइस, परफॉर्मेंस के नाम से याद है वर्जन 1.1 वर्जन 1.2 वर्जन 1.3 यूज़ करना अगर तुम लोग को इस डिवाइस में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए। कोशिश करना कि लेटेस्ट वर्जन कम यूज़ करो, ऑलरेडी वो सब बहुत ज़्यादा स्लो हो चुके हैं, इसलिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ जो लेटेस्ट वर्जन है कोशिश करो कि उसका एक ओल्ड वर्जन जो तुम यूज़ करो उसका एक बैकअप रख लो, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ गया हम लोग का Nintendo Switch एम्युलेशन इस वाले डिवाइस में कैसा रहेगा। तो स्विच एम्युलेशन में तुम लोग को चाहिए कि तुम यहाँ पे यूज़ करो यूज़ एम्युलेटर NC बाय गोइंग डेवलपर ऑप्शन में जाके तुम लोग ये जो ऑप्शन है NC इसको अनेबल कर दोगे, जो उसके बाद जो परफॉर्मेंस है गेम का बढ़िया है। बस यहाँ पे एक चीज़ गाइस तुम लोग को मिल जाएगा, गेम का परफॉर्मेंस तो बढ़िया मिल जाएगा लेकिन कई सारे गेम्स में ग्लिचेस मिल जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे Naruto Shippuden 4 के जैसे गेम्स विदाउट ग्लिच के साथ और विदाउट एनी प्रॉब्लम 30 out of 30 FPS मिल जाएगा। यहाँ पे ड्राइवर का ऑप्शन नहीं मिलता तो कई सारे एम्युलेटर्स हम ड्राइवर है वो ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे प्ले स्टेशन वीटा का अगर मैं बात करूँ कि वीटा एम्युलेशन यहाँ पे कैसा है इस वाले डिवाइस में, तो वीटा एम्युलेशन हम लोग को मिल जाएगा Mali G77 प्रोसेसर में हाई एंड टाइप का, ओके। तो यहाँ पे भी ड्राइवर का ऑप्शन नहीं है लेकिन ऑलरेडी ये जो गेम है ऑप्टिमाइज हो रखा है Mali GPU के लिए और वर्जन 8 यहाँ पे स्टेबल इनफ है जो कि रन कर पाए हम लोग का मॉडल कॉम्बैट 9 के जैसे या तो प्ले स्टेशन वीटा के अधिकतर गेम्स तुम्हारे डायमेंसिटी प्रोसेसर में। और यहाँ पे कुछ अलग गेम्स बेंटन ये सब भी अगर तुम लोग ट्राई करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा विदाउट ड्राइवर के यहाँ पे, क्योंकि भाई इस वाले डायमेंसिटी प्रोसेसर माली में ना हम लोग ड्राइवर डाल ही नहीं सकते। और अगर बात किया तो गेम क्यूब हमेशा की तरह ऑल एम्युलेटर से बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है गेम क्यूब एम्युलेटर का, तो यहाँ पे है हमारा है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स जो कि 30 FPS चल रहा है और ये है इन 2x का रिजोल्यूशन। कभी कभार जो है वो तुम लोग को 2x में फ्रेम ड्रॉप्स देखने मिल जाएगा लेकिन अगर तुम लोग यूज़ करोगे डॉल्फिन MMG तो वो 2 to 3 times फास्टर होता है एज प्ले स्टोर वर्जन में। और हाँ, इसका भी थोड़ा सा ओल्ड वर्जन ही यूज़ करना, ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन में मत भागना। और यहाँ पे हम लोग ने उसके बाद नीड फॉर स्पीड कार्बन है ये, और कार्बन में हम लोग को जो परफॉर्मेंस है 50 to 52 FPS मिलता है और ये भी 2x के अपस्केल में, और 40 FPS अगर तुम लोग को लगता है बढ़िया FPS प्लेबल 2x का अपस्केल है यार, वो 2x का अपस्केल बहुत होता है। और यहाँ पे सीटर एम्युलेटर इस वाले डिवाइस में कैसा परफॉर्मेंस करता है, मतलब 4x का अपस्केल है और जो इसका प्रोसेसर है तुम लोग इसको बोल सकते हो मीडियम प्रोसेसर बोल सकते हो, लो एंड भी नहीं है और ज़्यादा हाई भी नहीं है, तो उस अनुसार से अगर प्राइस के रेंजिंग में मैं तुम्हें बोलूँ तो थोड़ा सा बढ़िया और प्रोसेसर हो सकता था, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया प्रोसेसर है जहाँ पे हम लोग ऑल गेम्स एम्युलेटर्स के बढ़िया खेल सकते हैं। बस एक्सेप्ट कि हम लोग को ड्राइवर का ऑप्शन नहीं मिलेगा और हमेशा की तरह PSP एम्युलेटर भी हमारा जो गेम है वो अधिकतर डिवाइस में बढ़िया चला देता है। तो यहाँ पे 7x तक का तुम लोग एप स्केल में रख के जो भी प्ले स्टेशन पोर्टेबल के गेम्स है ऑल प्ले स्टेशन पोर्टेबल के गेम्स तुम लोग खेल सकते हो, तो 7x का अप स्केल बहुत बड़ा रिजोल्यूशन होता है, तो इतने में भी अगर तुम लोग को जो गेम है 60 out of 60 FPS मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लास्ट ऑफ लास्ट विन लेटर के कैसे गेम्स चल जाएंगे, तो विन लेटर के गेम्स कुछ ओल्ड टाइप्स तुम लोग खेल सकते हो, और हाँ याद रखना वहाँ पे जो ऑप्शन आता है वर्जियल का वही एम्युलेटर तुम लोग डाउनलोड करो,